हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल हम लोगों के बाल सफेद होना एक आम बात है। आपकी एज 20-25 साल, 18 साल, कितनी भी हो, बाल बहुत इजीली, बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बुढ़ापा तो आया ही नहीं और बाल सफेद हो गए। बच्चों में ये बात आम है, टीनेजर्स में हो रहे हैं, जिसकी वजह जो हम मान सकते हैं वो है हमारा खाना, जंक फूड, हमारा लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना और बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर भी इसका एक रीजन हो सकता है। तो बालों को आप अगर काला करना चाहते हैं, नेचुरली उनको रंग देना चाहते हैं काला, उनका पिगमेंट वापस लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी डाइट में आंवला इंक्लूड करना चाहिए। बालों को कलर करना कोई समाधान नहीं है, सफेद बालों को छुपाना, लेकिन हमें उन्हें जड़ों से काला बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए हमें आंवला का बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। आंवला आप अगर खाते हैं, उसका जूस पीते हैं, तो भी बहुत बेनिफिशियल है। बालों में लगाते हैं तब भी बहुत बेनिफिशियल है। मेहंदी में, हेयर पैक्स में, मैंने कई सारे हेयर पैक्स आपके साथ शेयर किए हैं जिनमें आंवला का मैं यूज करती हूँ। ये हर तरह से फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और ये हमारे बालों को वापस से काला बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू देसी नुस्खा शेयर करने जा रही हूं जो आज का नहीं है, सदियों पुराना है, जो पुराने लोग अपने बालों को जड़ों से काला बनाए रखने के लिए यूज करते थे। उसके लिए आपको लेना है एक लोहे का बर्तन, साथ में लेना है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर दो तरह का मिलता है, एक खाने वाला, एक बालों में लगाने वाला जो हेयर पैक्स में यूज किया जाता है। तो आप अगर खाने के लिए ले रहे हैं तो आप दूसरा लीजिए, और अगर आप बालों के लिए ले रहे हैं तो आप हेयर पैक वाला लीजिए, और अगर आप चाहें तो आप बाजार से, पंसारी की दुकान से जो सूखे आंवला मिलते हैं उनको भी ड्राई रोस्ट थोड़ा सा हल्का सा करके, कि उनकी नमी निकल जाए, उसको आप ग्राइंड करके खुद ही घर पे पाउडर बना लीजिए। लोहे का बर्तन आपको लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आंवला जो है, विटामिन सी जो है, वो लोहे के साथ रिएक्ट होता है, जिस वजह से वो बहुत बढ़िया रंग देता है और ये आपके बालों में भी वापस काला रंग बनाए रखता है। तो आयरन वेसल जरूर लीजिएगा। अब आपको इस पे करना क्या है, बहुत ही आसान रेमेडी है। आपको लोहे के बर्तन को गैस पे रखना है, अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। इसमें मैं ऐड करूंगी नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे बालों को नमी देने का काम करता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक नारियल का तेल यूज किया जाता है, बिल्कुल सेफ एंड नेचुरल होता है। अभी थोड़ी ठंड चल रही है, इस वजह से ये जम गया है, लेकिन अगर आप गर्मियों में ये रेमेडी करेंगे तो आप नॉर्मल पिघला हुआ नारियल का तेल जो है वो लेंगे, हल्का सा आप उसको धूप में रखिए, वो अपने आप बाय नेचर थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, बस आपकी रेमेडी के लिए वो रेडी है। देखिए मैंने गैस ऑन किया और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको रखना है, जिससे कि तेल जले नहीं। तेल को आपको जलाना नहीं है, हल्का सा वार्म करना है, बस हल्का सा गुनगुना करना है तेल को, और जिससे कि पिघल भी जाएगा और जो अब मैं इसमें आंवला पाउडर इंक्लूड करूंगी वो अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा। गर्मियों में इस प्रोसेस के लिए आपको इसको गर्म करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस धूप में रखिएगा और ये हल्का सा गुनगुना हो जाएगा। अब इसमें ऐड कीजिए आप 1 चम्मच आंवला पाउडर, इसको भी आपको जलाना नहीं है, हल्का सा बस इसको मिक्स करना है, आंवला इसमें अच्छे से घुल जाए, बस इतना ही आपको काम करना है। ये आसान सी रेमेडी आप किसी भी एज के हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के बाल जो हैं 16-17 साल के हैं तो लग रहा है कि बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे, या फिर आप नहीं चाहते कि उनके बाल जल्दी से सफेद हो, तब आप उन पे भी ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। बस मैंने फ्लेम को बंद कर दिया क्योंकि आंवला पाउडर मिक्स हो गया। आप इसको पूरी रात इसी तरह से लोहे के बर्तन में या 8 से 10 घंटे के लिए छोड़िए, जिससे कि ये अपना रंग बहुत अच्छे से दे दे। हमें इसको तुरंत बना के तुरंत नहीं लगाना है, 8 से 10 घंटे आपको इसको लोहे के बर्तन में इसी तरह से रहने देना है। अब देखिए 8 से 10 घंटे के बाद आप देखिए सर्दियों की वजह से तेल जो है फिर से जम गया, लेकिन इसका जो असर था, जो आंवला का असर था, वो तेल में पूरी तरह से आ चुका है। मैं हल्का सा फिर से फ्लेम को ऑन करके इसको पिघला लेती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको मेल्ट होने के लिए, हार्डली आधे मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए ये मेल्ट हो गया और आप रंग देखिए, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो चुका है। ये आसान सा उपाय अगर आप शैम्पू करने से
2 घंटा पहले जैसे आप नॉर्मल तेल लगाते हैं उस तरह से लगा लेंगे या फिर ओवरनाइट लगा लेंगे, आपके बालों में आप खुद फर्क देखेंगे। मैं फिर बता रही हूँ, आप किसी भी उम्र के हैं, आपके बाल अगर आप डाई लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तब भी आप इसको लगा सकते हैं, तो आपकी मेहंदी का कलर और ज्यादा पक्का हो जाएगा। अगर आप मेहंदी डाई नहीं लगाते हैं तब आप इसको लगाइए, आपको कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी मेहंदी और डाई की, आपके सफेद बाल जड़ों से काले हो जाएंगे। और 2 घंटे के बाद आप नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए। बस धीरे धीरे आप खुद फर्क देखेंगे कि आपके बाल जो है वो जड़ों से काला होना शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी इसी तरह से हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं वो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाय बाय।